आज हम जा रहे हैं बाहर आउटिंग पे। बोल मम्मा। गोले ने दूसरा वर्ड बोल दिया है। I'm a senior actor. Senior actor. Okay? हेलो जी, वेलकम टू आवर चैनल LON। मैंने साथ ही ब्लॉग शुरू कर दिया। आजकल मैं बहुत फास्ट हो गई हूँ। ब्लॉगर भारती तो ब्लॉगर यो। सो आज हम जा रहे हैं बाहर आउटिंग पे। आउटिंग नहीं, मैं नहीं झूठ बोलूंगी। हाय गाइस, आज हम जा रहे हैं आउटिंग नहीं, डॉक्टर के पास जा रहे हैं। आज गोले का इंजेक्शन है और बस आज फाइनली हर्ष भी है हमारे साथ, क्योंकि पिछले 2-3 इंजेक्शन जब लगे गोले को तो हर्ष नहीं था, जबकि होना चाहिए था। तो आज हर्ष हरजाना भरेगा। एक तो गोले को चलो इंजेक्शन लगना ही है, हमको लेके जाएगा घुमाने कहीं अच्छी जगह, खाना खिलाए। क्या 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 शायद क्या शायद क्या बोल रहा हूँ, शायद जा पाएंगे, पक्का नहीं जा पाएंगे, ऐसा मतलब कुछ तो है, कुछ सोचा हुआ लड़के ने, प्लान को चुलबुला टाइप बना हुआ है। अरे नहीं, अरे बच्चा भी खुश है पीछे और हमारी नर्सेस भी। सो बस चलते हैं, जो जो करते जाएंगे आपको बताते जाएंगे। आज का व्लॉग मस्त होने वाला गाइस, क्योंकि आज पैसा कोई और खर्चेगा। सो गाइस, आज बहुत खुश है सिर्फ 2 लोग और वो हर्ष बताएगा। रज्जो और गोला, इन दोनों की खुशी का आज ठिकाना ही नहीं है। हाँ, 2 ही बंदे चहक रहे हैं, एक ये रज्जो और एक ये गोला। तोता तो आज खुशी बहुत ज्यादा। अरे रज्जो, क्या 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 खुशी है? बहुत ज्यादा खुशी की आज वीरा चले आ, फर्स्ट टाइम जब दे मैं आई ना, एक बार भी नहीं किते गए, आज चले हो भी नाल खुशी। अरे कहना क्या चाहते हो? अरे यार अरे बस कर रज्जो, हाँ बेटा हाजिर करके शीशे पे बेहोश ना हो जाए। गोली ये देखो, इसको यार मुझे ये नहीं पता चल रहा कि किस बात की खुशी है इस बंदे को। इंजेक्शन की खुशी है। गोले गोले को पता नहीं कि उसको इंजेक्शन लगना है। तो दोस्तों देखते हैं, वापसी में आता वक्त भी गोला ऐसा ही चुलबुला होता है या चुपचाप बैठा होता है। है ना गोले, गोली बच्ची, मम्मा बोलो, मम्मा बोलो, मम्मा मम्मा वही बोल, बोल मम्मा, बोल मम्मा। सो दोस्तों, गोले ने दूसरा वर्ड बोल दिया है। मैं नहीं मानता। और फाइनली भारती का वेट खत्म हुआ, क्योंकि उसने पहले पापा बोला, अब फाइनली गोले ने दूसरा वर्ड बोला है जो कि डैडी है। तो मेरा तो इतना लाइफ खराब हो गया है, इतना लाइफ खराब हो गया है मेरा। वेरी गुड बेटा, अब ये सारी भाषाओं में पापा बोलेगा, बापू, बापू जी, पप्पा, पॉप्स, पोपी, वो सब चालू हो, उसके बाद मम्मी पे नंबर आ गया। वाह शाबाश बच्चे, शाबाश। चुप क्यों है भारती, क्या हो गया? 9 महीने पेट में रखा हुआ है, माँ तो माँ होती है। नन्ना रे नारे नारे नन्ना रे नारे, क्या हो गया वो सारी चीजों का? आप मेरे हिसाब से मुंबई नहीं आ सकते, जिससे तुम लोग क्या 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 म्यूजिक को, माओ को इमोशनली इतना अटैच करके रखा हुआ है। म्यूजिक बजा दो, नारे 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 नारे, इमोशनली इस म्यूजिक से करते हो। आज यार बाप बोल के इसने पूरा क्लटर ब्रेक कर दिया। सच में मेरा मूड खराब ही हो गया यार, एक बार होता चलो पापा गलती से निकल गया, लेकिन दोस्तों अगर मैं और वीडियो बनाऊंगी तो मैं शायद रो पड़ूंगी, इसीलिए बस डैडी। गोले तेरे को तो मैं छोड़ूंगी नहीं गोले, विश्वास, तूने सारे बच्चों का विश्वास हटवा दिया गोले। क्यों गोले यार, मम्मा मम्मा मम्मा, डैडी डैडी, ये क्या होता है डैडी? मम्मा मम्मा
चुप कर जा आया बड़ा पापा। प्यार है तो है भैया, प्यार है। अरे यार बच्चे भगवान का रूप होते हैं। हर्ष ऐसे लग रहा है कि स्ट्रॉबेरी की पेटियां लेके जा रहे हैं हम। ओ लाइट ही बड़ी। ओ इट्स अ टाइम टू डिस्को। आशिकों का अड्डा ये है भाई। ये सड़क का जो फुटपाथ है साइड का वो आशिकों का अड्डा है। हाँ यार मैंने देखा दो तीन तपती धूप में बाइक पे बैठ के बाल खोल के पपिया कर रहे हैं। इतने तेजस्वी लोग हैं हमारे पास। चलिए हम वर्ली सीलिंग में पहुंच गए हैं। रोशनी में मैं अच्छी लग रही हूँ। अब देखना है मेरे। बाय बाय बाय। डॉक्टर सुई लगेगी ना अभी, तुम्हारे ये जो खरगोश जैसे दांत हैं दिखेंगे नहीं। ये बहुत मजे कर रहा है, इसको पता नहीं अभी इसके साथ क्या होने वाला है ना पापा। यार मैं जब भी इस जगह से निकलती हूँ ना, राइफल शूटिंग रेंज मेरा दिल्ली हर। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं भारती, मेरी नजर में बच्चा पैदा होने के बाद औरत की सारी इच्छाएं सब बच्चे के लिए होती है, तो तुम्हें अब ये सपना छोड़ देना चाहिए। कुछ भी देखो ऐसा लग रहा है कि हम किसी ना मतलब भारत के किसी पिछड़े गांव में रहते हैं, और वो मेरा किसान पति मेरे लिए बोल रहा है कि तुम भी मेरा खेती में हाथ दिया करो। अगर मैं वहां होती तो मैं अपने पति का ऐसे ही साथ देती, लेकिन मैं आज की लड़की हूँ, मुंबई की हूँ, पंजाब से आई हूँ, और मैं अपनी मर्जी करूंगी। एक ना एक दिन मैं राइफल शूटिंग फिर से स्टार्ट करूंगी। क्या बात है सर, क्या बात है सर। कुछ नहीं करती थी, कुछ नहीं आता, सब बकवास करती है, बताती रहती है मैं राइफल शूटिंग। आज तक एक निशाना नहीं लगा भाई। अरे रुको जरा, सबर करो। आया तो है तेरे पे, सही तो लगा। नहीं तो एक ही निशाना लगा है। नहीं नहीं हर निशाना सही लगा, यही गलत हो गया बस। जब मेरा पंच बड़ा हो जाता फिर ये चुप कर जाता है। चुप नहीं करता, इसको पता है हम सीनियर एक्टर। मेरे को बहसबाजी। आई एम अ सीनियर एक्टर। सीनियर एक्टर ओके। तुम भी सुन लो और तुम्हारा बेटा भी। कहा गया ए गोले मम्मा, ये मम्मा। उस पे तो तू कुन्नच खा के बैठी है, क्योंकि उसने पहला वर्ड पापा बोला है और दूसरा वर्ड डैडी बोला है, तो अब वो क्या करे, मुझसे ज्यादा प्यार करता है भारती। कितनी बार कहूँ मैं, तुम्हारे मुंह पे कितनी बार बोल चुका है वो बच्चा। इतने से बच्चे को पता है कि नहीं मम्मा सही नहीं है पापा ही सही है। चला गया डॉक्टर, अभी पता चलेगा तुम्हारा बेटा। मेरा बच्चा अगर रोया ना डॉक्टर मैं फीस नहीं दूंगी। आपको देना ही मत। मैं सीरियसली कह आज मुझे लग रहा है गोले का हर्ष पैंट। ये भी रोने लग गई। कोई बात नहीं, उसके अच्छे के लिए लग रहा है। So guys, गोले को इंजेक्शन लग गया है, और कोई कह सकता है कि ये है वो बच्चा जिसको दो दो छुई लगी थाइज पे चुस चुस करके। पत्ते बना लो, आज तो नहीं, आज तो खुशी से झूम रहा है। अले 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 ओले ओले ओले। चल पापा का चेला आया बड़ा पापा पापा। माँ जो इतना करती है माँ नहीं याद रहती तुझे। सो हम अब आए हैं गोले का इंजेक्शन लगवाने के बाद पलेडियम मॉल, और मुझे इतनी भूख लगी थी लेकिन ये बंदे से वेट नहीं हुआ और ये पहले ही खाना शुरू हो गया। क्या हुआ क्या हुआ? कितना ज़्यादा वो वसाबी खाना। अब मुझे ये इंसान भगवान लग रहा है जो लेकर आया मेरे लिए। थैंक यू गॉड।
सो हमने खाना खा लिया, हर्ष पता नहीं कहाँ चल गया आधे खाने में से उठ के, लेकिन ये जो हैंडसम बंदा है इसने मुझे ये दिया है। चलो भाई करते हैं ये। ये सब देखने के लिए हर्ष यहाँ पे नहीं था और जा चुका था, और मैं खा लूँगी पूरा। वाह ये देखो, ये दोनों बाप बेटा पहले ही नीचे आ गए थे और ये गाड़ी चला रहे हैं। सो गाइस अब हम जा रहे हैं वापस, और मुझे पता है कि भर भर के ट्रैफिक मिलने वाला है। हर्ष ट्रैफिक कितना मिलेगा? ट्रैफिक मिलेगा बहुत ज्यादा, लेकिन मैं तुम्हें एक शॉर्टकट से ले जाऊंगा, आप देखना। मैं आपको एक घंटे के अंदर घर पे पहुंचाऊंगा। तुम्हें सब पता है यहाँ का? सब बाशिंदा मुंबई। क्या है तुम? बाशिंदा। तो देखते हैं कि बाशिंदा हमें जल्दी घर पहुंचा पाता है कि नहीं। इनकी भी हंसी निकल गई बाशिंदा पे। गोले क्या हो रहा है गोले? हर्ष देखिए, एक बाप का फर्ज बनता है कि अपने बेटे को गाड़ी चलाना सिखाए, चाहे उम्र कोई भी हो। एक पिता होने के नाते मैं इस बच्चे को गाड़ी सिखा रहा हूँ। हाँ, लेकिन सिर्फ पार्किंग में। अभी हम चलिए चलिए, बच्चा पीछे दीजिए, इसको कितना मजा आ रहा है। बच्चा पीछे। सो गाइस हम पूरी तरह ट्रैफिक में फंस चुके हैं, मैं आपको दिखाती हूँ। लेकिन मैं तुम्हें एक शॉर्टकट से ले जाऊंगा बाशिंदा मुंबई। सो अब हम देखते हैं, पीछे सब जाग रही हैं, पर मुझे पूरा श्योर है कि जब ये हम घर पहुंचेंगे तब ना ये पूरी सो चुकी होंगी, क्योंकि मुझे भी नींद आ रही है। सो फ्रेंड्स सब पीछे सो चुके हैं, जैसा कि मैंने आपको बोला था। ये सारी स्ट्रॉबेरी खराब हो चुकी है, एक के ऊपर एक गिरी हुई है, और ये हमारा स्ट्रॉबेरी। एटीट्यूड ओह माय गॉड, इसकी हंसी निकल जाती है, ये एटीट्यूड नहीं रख पाता ज़्यादा, है ना आज? यार तू क्या कर रही है? अरे तो क्या कर रही हूँ मैं, सारे सो गए हैं, लेकिन अब मैं अपने पति के साथ बातें करूँगी, उसको इरीटेट करूँगी, क्योंकि यही तो हर एक पत्नी का फर्ज होता है, इरीटेट करना। इरीटेट हो रहा है मुझसे? बहुत जो हो रहा है। सो फाइनली हम घर पहुँच गए, और इतनी ज़्यादा ट्रैफिक थी कि ये तो बेचारी सारी स्ट्रॉबेरियाँ सो गई थी। मैं जागती रही क्योंकि हर्ष आगे गाड़ी चला रहा था, और सोना क्या था कोई, मतलब ऐसा थोड़ी कि कहीं बाहर लोनावला गए थे। बट अभी घर आ चुके हैं, अपने घर आके बड़ा ही चैन मिलता है यार। घर से बढ़कर तो कोई चीज़ ही नहीं है दोस्तों, घर सबका होना चाहिए, और घर ऐसा होना चाहिए कि वापस आने का मन करे। कहीं भी जाओ लेकिन घर आने का मन करे, उसे कहते हैं पॉजिटिव घर। अब हम घर आ चुके हैं, अब हम रेस्ट करेंगे, है ना हर्ष? एकदम ही रेस्ट करें। तो पीछे अलमारी का ये जो दरवाज़ा किसने बंद करना था? अब देखो अभी कुछ और ही करने लग गया। बंद कर हर्ष, लोग हमारा खिलारा देख रहे हैं। अरे लोग, अरे अरे अरे, ये ऐसे ही सताता है, ऐसे ही सताता, समेटना तो इसने कुछ होता नहीं, और ऊपर से देख अलमारियां खोलती हैं। थैंक यू सो मच हमारा ये व्लॉग देखने के लिए। देखिए मजे कीजिए, जिसने चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया वो भी कर लीजिए, और बस अगला व्लॉग देखने के लिए रेडी हो जाओ, वो भी मैं बना रही हूँ बराबर। ठीक है, बाय बाय।